खा रहा हूँ मैं, और अभी बस निकलते हैं। और आप सभी को जय श्री राम। और बस कुछ ही देरों में हम निकल रहे हैं यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई जा रहे हैं साथ में। और हो गया गरम, मम्मी घी पिला रही है ना पूजा के लिए, ठीक है। और अभी बस खाना खा के फिर सीधा निकलते हैं और मिलते हैं जी रास्ते में, ठीक है। सो हाँ जी गाइज, रेडी हो चुके हैं, ठीक है जी। जैकेट वैकेट पा ली है, जूते शूते भी, और अब निकल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा बस स्टैंड पे। तो हम जा रहे हैं रोडवेज से, और उत्तराखंड रोडवेज जो सीधा डायरेक्ट नीम करोली बाबा के दरबार पे उतारती है, ठीक है जी। वहाँ से होते हुए अपन जाएंगे नैनीताल। पहले बाबा जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा नैनीताल। पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे माता रानी के भी दर्शन करेंगे, और वहाँ पे झील है वो भी देखेंगे, ठीक है जी। और मम्मी थोड़ा घबरा सी रही हैं, ठीक है। और ठीक है जी, जैसे भी हो दिखा देंगे। और बाकी जो रोडवेज का जो किराया है ना, वो रोडवेज का किराया 550 रुपये है पर एक बंदे का, जो सीधे डायरेक्ट वहीं पहुंचाएगी। और भी बसें जाती हैं वहाँ से रोडवेज के अलावा भी है, प्राइवेट भी, तो उनका खर्चा पानी देख करके बता दूंगा, ठीक है जी। देखते हैं, बाकी चलते हैं अब थोड़ा वहाँ पे। भाई वेट कर रहा, भाई निकल चुका है, और अब करीब करीब 8:15 बज रहे हैं। बस 5-7 मिनट में निकल लूँगा मैं भी, और 10 बजे की अपनी बस है वो पकड़नी है, ठीक है जी। मिलते हैं रास्ते में। सो हाँ जी गाइस, निकल पड़े हैं यात्रा के लिए, ठीक है। अभी बस भाई को ज्वाइन कर लूँ, भाई बाहर ही खड़ा हुआ है, दिखाता हूँ जी आपको, ठीक है जी। आनंद विहार आइस बीटे पे पहुँच चुके हैं, और इस समय बस की टिकट भी ले ली है। 450 रुपये पर एक पर बंदा बैठा है यहाँ दिल्ली ISBT से, ओ सॉरी ISBT से और हल्द्वानी तक का, ठीक है जी। बस दिखाता हूँ आपको, ये खड़ी है जी बस सामने, ठीक है जी। ये नैनीताल तक जाएगी, और वहाँ से अपने को चेंज करनी पड़ेगी रानीखेत के लिए, ठीक है। हार्डली 20-22 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ से, ठीक है जी। और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है जी। 10 बजे बस चल देगी यहाँ से। एक बस ये खड़ी हुई है यहाँ पे, और एक बस ये है। तो इस वाली बस का टाइमिंग तो 10 बजे का है, और इसका पता नहीं कितने बजे का टाइमिंग है। और भी बसें जा रही हैं यहाँ से, AC वाली, उनका उनका करीब 850 रुपये किराया है AC वाली बसों का, बाकी चेक कर लेना आप जी। गढ़ मुक्तेश्वर आवे, बस स्टैंड ढाबे पे लगाई है बस वाले ने, ठीक है जी। बसें सारी लगी हुई लाइन से, कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है। और फिर आगे सीधा हल्द्वानी रुकेगी अब तो सीधा ही, है नी। और भाई साहब ने पता है क्या क्या करा, तो जैसे बस ISBT से निकली ना, तो बाबू जी को लग गई भूख। मम्मी से मना कर रहा था भाई कि नहीं 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 खानी, पेट भर रहा है हाँ। और अब बस निकलते बाबू जी को भूख लगी आई, चलो खैर देखते हैं। और चांद देखो भाई, चांद लॉजे रानीखेत के लिए बस ये खड़ी हुई, और हल्द्वानी आ चुके हैं भाई, फोकस ले यार, ठीक है जी। अब चलते हैं जी कैसी धाम की, और भाई बैठा हुआ बस में, जी गाइस पहुंच गए कैची धाम। और इस समय टेम्परेचर हो रहा है 6 डिग्री, ठंड तो बड़ी कैड़ी हो रही है, और क्या ही बताएं जी, वादियाँ देखो जी आप, ठीक है। पीछे मंदिर है और लाइन लगी पड़ी है, देखते हैं अभी कैसा बनता है, ठीक है जी। अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ तो।
टाइमिंग दिखा दूं, टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है विंटर और समर का, ये है जी विंटर और समर का, देख लेना स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। चलें जी आगे। नदी बह रही है ना, ये शिप्रा नदी है, और शिप्रा नदी के किनारे अपना कैसी धाम है, ठीक है जी। और कितने मतलब हम सभी जितने भी सनातनी हैं कितने खुश नसीब है यार, क्योंकि भाई हमारे देवी देवता जितने भी हैं और बढ़िया से बढ़िया कह सकते हैं लोकेशन होती हैं जिससे हम लोग आते हैं ना तो आनंद में आनंद हो जाता है। गलत तो कह नहीं रहा मैं, बिल्कुल एकदम सही बात है। अभी ना घंटे की भी आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, अभी अंदर आरती चल रही है तो इस समय यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम है, सब अंदर ही हैं। हम अंदर से होया आरती वगैरह ले ली, ठीक है, दर्शन कर लिए अच्छे से, और वाकई में एक तो ना सर्दियों में ना हाथ भी नहीं चल रहा, इस समय 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। लो जी फिर दिल्ली में तो धूप के दर्शन होते नहीं, यहाँ हो गए एकदम क्लियर। भाई क्या वातावरण है, मजा आ गया भाई, मजा स्वाद आ गया दिल्ली का। दिल्ली में तो पोल्यूशन, खैर छोड़ो यार पोल्यूशन को, यहाँ की बात करते हैं। क्या बात है यार, एयर पीछे से दिखाऊं उस तरफ है जी नीम करोड़ी बाबा का मंदिर, और हम थोड़ा आगे की साइड जा रहे हैं घूमने, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। एक बार ले ले भाई ले ले, गड्डी आ गई थी स्पेस नहीं है ना यहाँ पे जरा भी, तो थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ा यार, पर नो डाउट भाई क्या बात है, तो चांद भी दिख रहा है यहाँ तो। कहाँ गया यहाँ पे, सही है एकदम बढ़िया। वो ये क्या है, कैंप कैसी धाम, ये देखो जी यहाँ पे कैंप कैसी धाम है, ठीक है जी जिसको आना हो यहाँ हम बात कर लेना नंबर से। चलें आगे, चलें यहाँ वापसी, चलें देखते हैं आगे का, तो देख ऊपर क्या बात है।
लो जी भाई है ना, अपने को ट्रैकिंग पे लेके चल रहा है, ट्रैक वाले रास्ते पे जो मैंने अभी दिखाया था ना उसी रास्ते से, देखते हैं ट्रैक कितना करते हैं। कर लेंगे भाई। हाँ भाई जंगल है कदा वो ना आ जाए बालू वालू। देखो भाई हम जा रहे हैं ठीक है, वो वहाँ ऊपर जाना है, ट्रैक भी कर लेते हैं ठीक है जी। वो क्या भाई चलो जी चलो 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 ये रास्ता कहाँ जा रहा है भाई, ये तो कैंप की ओर जा रहा है ना, उन्होंने लगा रखे हैं बोर्ड लगा रखी। अरे एक बात है भाई, है तो सुंदर, कुछ भी गाओ है चीज एकदम कैडी बढ़िया। देखो ठीक है ना, कैंप वाला एरिया सारा वो उधर भाई ने कैंप लगा बोर्ड लगा रखा है, ये लगाओ ना ये। तो भाई एक चीज और बताऊं, हल्द्वानी से यहाँ तक का खर्चा, मतलब जो जिस बस में हम आए रोडवेज थी, वो भी रोडवेज नहीं थी वो प्राइवेट बस थी, 190 रुपये पर पर्सन लिया उनने ठीक है जी। और बाकी यहाँ जब मंदिर आओ ना तो यहाँ प्रसाद भी मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात भाई जब यहाँ पे हम उतरे तो भाई ठंड तो कैली थी और भाई नीड थी चाय की, तो क्या करा हमने भाई, सबसे पहले तो एक चाय का सेवन किया, फिर उसके आगे जाके कोई और कार्रवाई की ठीक है जी। ये भाई सब कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ करके दिखाएंगे आज। भाई रुक जा भाई, कहाँ गया भाई, देखो कहाँ जा रहा, क्या व्यू आ रहा है यार, जितने इतना ऊपर जाना है उतना सुंदर आ रहा है व्यू। सूर्य देवता भी आ चुके हैं वैसे, चलिए जी। भाई जी सब में चला रहा यार गाड़ी, इतना घड़ी तेज भगा दी, मेरा भी हो रहा है जिम चला रहा, दोनों भाइयों का जिम चला गया यार, गाड़ी घड़ी तेज भगा दी इनने तो यार, छोटे छोटे रास्ते और उसमें भी 50-60 की स्पीड में भगा रहा, बताओ हद है। मैं सही है भाई, चर्च होगा यहाँ पे, हाँ चर्च तो होगा, चले आगे पैदल पैदल। देखो जी ठीक है जी, अब यहाँ पे पैदल पैदल टूर करेंगे, टूर करेंगे ठीक है जी, देखते हैं दिखाते हैं आपको भी, चलिए। और इस गाड़ी वाले ने ना पर पर्सन 100 रुपये लिए हैं, और अगर बस से आते तो मेरे ख्याल में 50 रुपये टिकट है बस से आई तो ठीक है, तो अपने को ये सुविधा मिल गई, जल्दी भी पहुँचा दिया, पर यार पेट ख़राब कर दिया ने, जी समझ चला रहा है, अब थोड़ा चलना पड़ेगा ना तब जा कर के बात बनेगी। चलते हैं जी आगे का सीन दिखाते हैं। रुकना है, रुकना है अपने, नहीं रुकना है, नहीं रुकना, चलते हैं भाई, तो कैंसिल है रुकने का, फिर यहाँ पे कितना देखते हैं, अगर
कौन सा पॉइंट से? जहाँ से पूरा हिमालय की रेंज देखेंगे इस तरीके से आप लोग, इससे भी अच्छा हिमालय दिखेगा। उसके बाद लेक पे पॉइंट जहाँ से पूरा नहीं निकाल दिखेगा मैंगोशिप, उसके बाद मैजिक लेक, एसी केव, ये पारापत्ता रॉक क्लाइम बैपनिंग वाली जगह, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, और ये जहाँ टॉली जाती है ना पर पिक पे स्नो व्यू पॉइंट, यहाँ बाई कार से भी लेके जाते हैं। अच्छा, ये पूरा कवर करा देंगे, 1.5 से 2 घंटा लगता है पूरा घूम के। अच्छा, सारे पास गाड़ी रहेगी, अल्ट्रो कार गाड़ी, पूरा बढ़िया से आ जाएंगे सारे। अभी हिमालय भी बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पे। क्या मिलेगा? हिमालय की रेंज है सारे। हाँ। भी आपको क्लियर मिलेंगे हिमालय से भी। अच्छा अच्छा जी, चलो अभी जी। सीन कुछ ऐसा है, वहाँ पे नैना देवी का मंदिर है, वो पूरा वहाँ पे ये रहा, यहाँ पर भी जाना है, माता के भी दर्शन करते हैं और थोड़ा बाजार भी घुमाते हैं। ठीक है जी, वाइड एंगल में सही आता है, बड़ा बड़ा सारा है नहीं, एकदम बड़ा। ओपनिंग टाइम है 11 बजे, बचेंगे गर्ल्स के लिए भी वैरायटी है। वो रही है सामने ट्रॉली, शायद इसमें कैप्चर ना हो। खा लेंगे, यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है। हाँ, आगे से ले, आगे से ले, नहीं नहीं सही लग रहा है एकदम बढ़िया। पाल वाला ही है तो सामने आ रहा है कुछ।
सो हाँ जी गाइस, रात को आ गए थे हम करीब 12:30 बजे के आसपास, 12:30 नहीं 12:45 बजे के आसपास हम घर पर आ गए थे। और उम्मीद करता हूँ आपने अभी जो जितना भी देखा उतना आपको अच्छा लगा होगा। और भाई ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा, बाकी जर्नी तो अच्छी थी, बाकी यार नींद में थोड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि एक दिन मैं अप डाउन था। ठीक है जी, बाबा जी के भी दर्शन करे, नीम कोरोली बाबा जी के और माता के नैना देवी। ठीक है जी, और कुछ नैना देवी के कुछ क्लिप मैंने लिए नहीं क्योंकि यार आप सब अगर यूट्यूब पर बैठ करके सब चीज़ें देखने लग जाओगे तो यार माता रानी के दर्शन कब करोगे, ठीक है ना। तो यार वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, भवन पर आकर के दर्शन करा करो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और मिलते हैं जी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।